एग्जाम तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। तो हमने पिछली कुछ क्लासों में 30 क्वेश्चन कर चुके हैं एलजेब्रा के। तो एलजेब्रा के 30 से आगे के हम क्वेश्चन अभी करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है वो देखिए पहले। तो क्वेश्चन नंबर 31 मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। 31 31 क्या बोल रहा है? यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2 तथा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 1 हो तो ए डी माइनस बी सी होल स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर का मान आपको निकालना है। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो आप कैसे करेंगे? आप इस क्वेश्चन को, इसका मान आपको दे रखा है और इसका मान आपको दे रखा है। तो पहले आपको क्या करना है, इसे ओपन कर लेना पूरा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 ए डी बी सी। ये तो होता है ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बोला हमने बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे प्लस है, यह प्लस का खुल जाएगा क्या, वही ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी बी स्क्वायर डी स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस का होगा ए बी ए सी बी डी। ये वाला और ये तो सेम है, आपको दिखाई दे रहा होगा, बस आगे पीछे लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये माइनस प्लस का कट जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें ए है और एक इसमें ए है, तो इन दोनों को पास ले लीजिए या इनमें से ए स्क्वायर माइनस कॉमन निकाल लीजिए। ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसके अंदर और इसके अंदर क्या कॉमन है, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर आप कॉमन निकाल लीजिए, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर सेम है, ये वाला और ये वाला सेम है, बस आगे पीछे लिखा हुआ है, उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि 2 + 1 कर दीजिए या 1 + 2 कर दीजिए, मान तो वही होगा, तो बस वही है। तो इन दोनों में से ये कॉमन निकल जाएगा, डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया हमने, इसको कॉमन निकाल लिया, तो ये हमारे हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 2 दे रखा है और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का मान 1 दे रखा है। यहाँ पे 1 रख दीजिए, इसकी जगह 2 रख दीजिए, तो आपका आंसर आ गया 2। बस काफ़ी इजी क्वेश्चन, आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। बत्तीस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो चीज़ है। 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि ए प्लस बी प्लस बराबर 0 हो तो क्या ज्ञात करना है आपको, 1/ ए प्लस बी और बी प्लस सी, बीच में प्लस का चिन्ह फिर से आ गया, ए सी और बी ए फिर प्लस का चिन्ह, सी प्लस ए और सी प्लस बी। इसका आपको मान निकालना है, कुछ भी नहीं करना आपको, एलसीएम ले लीजिए आप। एलसीएम क्या आएगा, जैसे कि इसमें ए प्लस बी है और फिर बी प्लस सी है, फिर यहाँ पे क्या सी प्लस ए है या यहाँ पे, तो आपके पास एलसीएम आपको निकाल लेना है, ए प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए, बस यही चीज़ है। तो इसमें आपको क्या नहीं दिखाई दे रहा, सी प्लस ए दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ आ जाएगा सी प्लस ए। इसमें क्या नहीं दिखाई दे रहा, सी प्लस ए तो है और बी प्लस ए भी है, तो बी प्लस सी नहीं है। और यहाँ पे क्या नहीं है, सी प्लस ए है सी प्लस बी है पर ए प्लस बी नहीं है, ए प्लस बी नहीं,
ऊपर क्या आ गया, दो बार ए, दो बार बी और दो बार सी, टू ए बी और सी, ये तो है। नीचे आपके पास है, नीचे आप कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अपना क्वेश्चन तो हो चुका है। इसका मान हमें क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, जीरो, यहाँ जीरो रख दीजिए, तो ये हो गया दो इंटू जीरो, और नीचे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो से इंटू कराते हैं आपका आंसर आ जाएगा जीरो, बस खत्म कर। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी और इजीली आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, इसको मैं हटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 3x प्लस 1 बटे 2x बराबर 5 दिया हुआ है, और आपको निकालना क्या है, 8x क्यूब 1 बटे 27, इसका मान निकालना है। इस क्वेश्चन में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या ये किसका क्यूब है, 2 का, ये कितने का, 3 का, तो आपको क्या ये तभी निकाल सकते हैं तब आपके पास ये हो, ये इसका मान हो तब आप निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका ही तो क्यूब है, इसका क्यूब है और इसका भी क्यूब है, तो आपको इसमें चेंज करना है। इसमें चेंज करने के लिए आपको इन दोनों साइड क्या गुणा कराना है, ऊपर 2/3 का गुणा करा दो, इधर भी 2/3 का गुणा करा दो, कोई फर्क पड़ा दोनों साइड से, कि हमें सेम ये वाला बनाना है। इसके साथ गुणा कराएंगे तो 3 से 3 कट जाएगा और ये आ जाएगा 2x, इधर 2 से 2 कट जाएगा और नीचे बच जाएगा 1/3x, और ये आ जाएगा हमारे पास 10/3 आ गया सेम। अब आप इजीली ये वाला बन गया अपने पास सेम ऐसा ही, अब इसका मान आप इजीली निकाल सकते हैं, बस आपको फॉर्मूला पता रहना चाहिए, एक्स प्लस 1/ या यहाँ ए 1/ बी एक्स का मान आपको कुछ भी दिया जाए जैसे पी, और आपको निकालना हो इसका क्यूब, इसका क्यूब, तो क्या करना पड़ता है, इसका क्यूब कर देना है, माइनस कर देना है 3, ये हो जाएगा एक्स इंटू 1/bx और ये पी, बस काम खत्म, क्वेश्चन आपका हो गया। आपको बस यही चीज़ करनी है, तो पी का मान हमारे पास क्या है, ये तो इसका क्यूब 10 का मतलब ये 1000 और 3 का क्यूब 27 माइनस 3, ये वाला पुट करना है तो x से x कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2/3 और p का मान वही 10/3, बस पुट किया ये कट गया आपके पास, तो 1000/27 और माइनस क्या करना है आपको 20/3, एलसीएम क्या आएगा 27, ये आ गया आपके पास 1000, माइनस ये करेंगे तो हमें 9, तो 9 को आप 20 से गुणा कराएंगे तो 180, तो ऊपर आपके पास क्या आ गया ये 820/27, बस आगे आप इसको सोल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन। 27 का आप भाग दोगे 182 में तो कितनी बढ़ जाएगा, 81 बार तो जाएगा, तो 3 बार बचा क्या 10, 10 मतलब 0 लग जाएगा, 0 लग गया फिर आएगा 10 बचा, 10 कहीं रख दीजिए 27, ये आप आंसर आ गया। इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं काफ़ी इजी और फटाफट, बस आपको दिमाग में थोड़ा सा एकदम ध्यान रखना है कि करना क्या है। कभी कभी आप एक डायरेक्ट ऐसा देख लेते हैं और डायरेक्ट ये तो क्यूब भी तो करना है, तो डायरेक्ट आपको ये दिया हुआ हो तो नॉर्मली आप एक नॉर्मल फॉर्म लगा देते हैं और कर देते हैं तो वो गलत हो जाता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, तो मैं इसको हटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यदि
यदि x तथा a बटे x x तो x बराबर 10 का औसत m हो तो x स्क्वायर तथा 1 बटे x स्क्वायर का औसत क्या होगा, औसत कितना होगा। तो ये वाला क्वेश्चन दिया हो तो एकदम इजीली कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, x प्लस x तथा 1 बटे x का औसत m है, तो औसत का मतलब इन दोनों का ऐड करना है, ऐड करके और दो है संख्या तो दो का भाग देते हैं तब m आता है औसत। x प्लस 1 बटे x बराबर क्या आ गया हमारे पास 2m, इसका मान आ गया और हमें इसका औसत निकालना है। औसत मतलब वही एक्स स्क्वायर बटे 1 बटे भाई 2, ये चीज़ हमें निकालनी है। तो हम इसका निकाल सकते हैं मान, क्योंकि यह क्या इसका हमें पता है, तो इसका निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, कभी भी ये निकालना सिर्फ ये, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं मतलब 4 एम स्क्वायर तो माइनस 2 कर देते हैं, ये कर बस इसमें पुट कर दीजिए इसकी जगह क्या ये वाला 4 एम स्क्वायर माइनस 2, नीचे 2 का भाग देना है क्योंकि 2 है, तो 2 से इसको काटेंगे 2 पर और ये 1, ये आ गया 2 एम स्क्वायर माइनस 1, ये आपका आंसर आ गया। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इजीली आप इसे सोल्व कर सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या करना है, ये चीज़ आपको पता है तो आप इजीली इन क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है वो चीज देखते हैं, तो इसको मैं हटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, बीसी वास्तविक राइटिंग आपको समझ में भी नहीं आ रही तो भी मैं पढ़ के बताता हूँ तो आप इजीली समझ सकते हैं। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2 ए माइनस बी माइनस सी बराबर माइनस 3, माइनस 3 माइनस 3, तो आपको ज्ञात क्या करना है, वो तो 2 ए माइनस 3 बी प्लस 4 का मान आपको ज्ञात करना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको नॉर्मली आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करते हैं तो ये चीज़ आपको रखनी है याद, यहाँ पे लिख ले तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये है, इसको अंदर इंटू करा दीजिए 2a माइनस 2b माइनस 2c माइनस 3। अब क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला बनाना है, इस चीज़ में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है 2a माइनस 2b माइनस 2c और ये माइनस का एक माइनस का एक और माइनस का एक, तीन बार लिख सकते हैं, इन सभी को इधर लिए तो ए स्क्वायर इन पर माइनस का एक या इधर आके प्लस का एक हो जाएगा और ये माइनस का 2a हो जाएगा, इसको लिया है और एक इसको लिया है। अब भी वापस एक एक लिया है इसके साथ और इसको लिया है इधर, तो ये प्लस का आएगा 2b। इसी प्रकार सी प्लस का एक इसको इधर लाएंगे तो ये भी प्लस का 2c। यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा, इससे a यहाँ और यहाँ आपको पता है कि a माइनस 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है a स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2a हो, तो यहाँ ये लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे प्लस है सभी, तो यहाँ पे क्या बनेगा बी प्लस 1, बीच में प्लस का चिन्ह और यहाँ पे बनेगा सी प्लस 1 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर बन गया बराबर 0, क्योंकि इन सभी को इधर ले आए
ये यहाँ पे जीरो हो जाएगा। आप यहाँ जीरो रख के चलिए, तो अब इसकी जगह आप जीरो रख सकते हैं, स्क्वायर है, स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर कट जाएगा। बी प्लस वन बराबर जीरो, सी प्लस वन बराबर जीरो, ए बराबर आपके पास क्या आ जाएगा वन, बी बराबर क्या आ जाएगा माइनस वन, और सी बराबर क्या आएगा माइनस वन। बस अब ये मान सभी आप पुट कर दीजिए कहाँ पे, इसके अंदर, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें आप पुट कर दीजिए, ए का मान एक तो दो हो जाएगा, माइनस बी का मान माइनस है एक तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस, और सी का मान माइनस का एक तो ये चार माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस के पाँच और माइनस का चार, तो क्या हो गया प्लस का एक आंसर। बस आपका आंसर आ गया, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपको अभी भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है आवाज से या तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिएगा। धन्यवाद।